बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर और किरण खेर ने 1985 में शादी की थी। इन दोनों की लव स्टोरी काफी दिलचस्प रही है। किरण खेर और अनुपम की मुलाकात पहली बार चंडीगढ़ में हुई थी। वहां दोनों चंडीगढ़ थिएटर ग्रुप का हिस्सा थे। जब किरण मुंबई आ गई तो वहां उनकी पहली शादी बिजनेसमैन गौतम बैरी से हुई। 1981 में उनके बेटे सिकंदर का जन्म हुआ। फिर 4 साल बाद किरण को महसूस हुआ कि उनकी शादी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वहीं अनुपम की पहली शादी 1971 में हुई थी। अनुपम भी अपनी शादी से खुश नहीं थे। फिर अनुपम खेर किरण की कोलकाता में मुलाकात हुई। इसी मुलाकात के बाद अनुपम ने किरण को प्रपोज कर दिया। फिर दोनों ने अपने अपने पार्टनर से तलाक ले लिया और 1985 में दोनों ने पूरे रीति रिवाज से एक दूसरे से शादी कर ली। शादी के बाद अनुपम ने किरण के बेटे को अपनाकर सिकंदर को भी अपना सरनेम दिया। अनुपम का यह मानना है कि जैसा व्यवहार उनके पिता का उनके साथ था, वैसा ही व्यवहार वो अपने बेटे सिकंदर के साथ करते हैं। लेकिन ये कहना गलत होगा कि मुझे खुद के बेटे की कमी नहीं खलती। मुझे ये कमी खलती है कि मेरा कोई बच्चा नहीं है, लेकिन उनका बच्चा कंसीव नहीं हो पाया। आपको इनकी जोड़ी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।